फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा 6 जुलाई को आर्यभट्ट सभागार में सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस तरीके का आयोजन पहली बार झारखंड में होने जा रहा है। इसे वैसे व्यवसायियों को मदद मिलेगी जो व्यवसाय इसे करने के इच्छुक हैं। देखिए, हमारे 4 साल हमें हुआ ये काम करते हुए, हम ये देखते हैं कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। और मैं अभी जस्ट बॉम्बे भी था, बाहर भी, विदेश में भी इतने साल काम किया, कई लोग झारखंड को एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में देख रहे हैं। ज़रूरत है कि यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ से 10th तक आप देखिए बहुत पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, 12th तक हैं, वो लोग सब वापस दुनिया देख के कुछ साल काम करके वापस आए और यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप शुरू करें और एक मिसाल कायम करें, जिससे कि यहाँ के युवा को फिर नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। सबों का स्वागत, अभिनंदन। हम लोग 6 तारीख को स्टार्टअप कॉन्क्लेव रांची कॉलेज के परिसर में आर्यभट्ट सभागार में करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यह कॉन्क्लेव होगा। इसमें स्टार्टअप और नए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमारे मोटिवेटर स्पीकर बेंगलोर से, मुंबई से आ रहे हैं, हमारे झारखंड के भी स्पीकर होंगे और साथ में कुछ माननीय मुख्यमंत्री से लेके और मंत्री लोग को भी बुलाया गया है। हमारे चैम्बर के भी पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति सारी वहाँ उपस्थित होगी और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड के भी कुछ नए स्टार्टअप वहाँ पर शामिल होंगे।